हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेम थ्योरी की एग्जांपल 7 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम 2 जो हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी, मिक्स स्ट्रेटजी पर। जब हमारे पास कोई भी सैडल पॉइंट ना आए और हमारी स्ट्रेटजी हम कौन सी चूज करते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी। बट हमारी जो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, 2x2 की। देन उसके बाद हमने थ्योरम नंबर 2 की थी एंड उसके बाद एग्जांपल 6 की थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। नाउ एग्जांपल 7, सॉल्व द फॉलोइंग गेम एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स प्रिंसिपल से। पहले हमने लगाया मिनिमम, ये किस पे लगाते होते हैं हम, रो पे, और ये हम लगाते हैं कॉलम पे। तो यहां से मिनिमम कौन सा है हमारा, -3 -3, तो ये लिख दिया। उसके बाद कॉलम में हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम, तो 6 0। दोनों से हमें पता चल रहा है कि हमारा कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वी नीचे बार के लिए मैक्सिमम करते हैं, मिनिमम का क्या निकालते हैं, मैक्सिमम। तो क्या आएगा, मैक्सिमम -3। उसके बाद मैक्सिमम का मिनिमम, ये क्या होता है, वी ऊपर बार। सो इन दोनों में मिनिमम क्या है, 0। दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब हमारे गेम में कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है। इसके बाद हमारी मैट्रिक 2x2 किया, तो हमने मिक्स स्ट्रेटजी यूज कर ली। एस ए ले लिया P1 P2, एस बी ले लिया Q1 Q2। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले यूज कर लिए, वैल्यूज पुट कर दी। वेयर A1 की वैल्यू हमारी क्या है, 6, A12 की -3, A21 की -3 और A22 की 0। देन सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 0 -3 दैट मीन्स 3। देन की इन दोनों का क्या करेंगे, +6 +0 -3 -3 -3 -3 -6 -6 -6 -6 +- क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 + 6 हमारा आ गया 12, 3 1 3 3 4 12, तो 1/4। ऐसे हमने P2 फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि P1 + P2 किसके इक्वल होता है, 1 में, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 6 में किया था। ऐसे हमने Q1 निकाल लिया। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है कैसे याद करना है। पहले हमने करना है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये 0 से -3, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स 0 से ऊपर, ऊपरली तरफ, 0 से -3 से ये बन गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। सो -+ 3/12, फिर से 1/4 आ गया, और Q2 की वैल्यू भी 3/4 आ गई। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट 6 × 0 0, माइनस फिर -3 × -3 9, तो क्या आ गया, -9 आ गया, 1 2 3 माइनस आ रहा है, तो नेगेटिव आ गया। और नीचे हमारा क्या आ रहा है, 12, तो फिर से कैंसिल किया, 3 3 9 3 4 12, तो -3/4 हमारा आंसर। तो लास्ट में हमने कैसे लिखना है, हैंस द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी इज SA = 1/4 3/4, और एस बी की क्या आएगी, Q1 Q2, दैट मीन्स 1/4 3/4, और वैल्यू ऑफ द गेम हमारी आ गई -3/4 हमारा आंसर। अब हम परसाइज की बुक से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर 7 हमारी, आपको सिंपल ऐसे आएगा, सॉल्व द 2x2 गेम। इसमें हमें पता नहीं है कि हमने कौन सी लगानी है, मिक्सड स्ट्रेटजी लगानी है कि कौन सी लगानी है। तब आपने याद रखना है, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, हमने मिक्स स्ट्रेटजी लगानी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सैडल पॉइंट निकालना है। हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं आया है, तो हम लिख देंगे कि हमारी गेम में कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है, और हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है, इसलिए हम मिक्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो प्रसाइज की बुक है वो x1 x2 ले रही है, और स्पेक्ट्रम वाले P1 P2 ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो x1 x2 हम A के लिए यूज करें, और y1 y2 हम B के लिए यूज कर रहे हैं। तो x1 की वैल्यू फिर से कैसे निकालेंगे, एंड क्लॉक वाइज, दैट मीन्स
माइनस थ्री माइनस वन अपॉन फिर इन दोनों का प्लस इन दोनों का प्लस, सेंटर में क्या आएगा माइनस। ये देखो हमने कैसे याद किया था, ए टू टू माइनस ए टू वन अपॉन इन दोनों का प्लस माइनस इन दोनों का प्लस, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके हमारी यही आई थी। ये देखो एक्स वन की वैल्यू और एक्स टू की वैल्यू। सिमिलरली वाई वन किसके इक्वल आएगा, क्लॉक वाइज मीन्स की ए टू टू माइनस ए वन टू, देन फिर हमारा ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम। कैसे निकाली थी, डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते तो आगे क्या आता है माइनस, तो ए वन टू ए टू वन, फिर उसके बाद इन दोनों का प्लस माइनस इन दोनों का प्लस। सो सिंपली हमने एक्स वन की वैल्यू फाइंड कर ली और एक्स टू की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे भी हमने क्या अप्लाई किया है, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन, तो यहां से एक्स टू की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय एक्स वन, तो यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी फोर बाय इलेवन। फोर बाय इलेवन मतलब इलेवन माइनस फोर, इलेवन माइनस फोर इज सेवन बाय इलेवन। ऐसे हमने y1 y2 की वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर कर दिया डिटर्मिनेंट, तो थ्री थ्री जा नाइन, सेंटर में माइनस, फोर वन जा फोर, उसके बाद नीचे कैसे करेंगे इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस क्या आ जाएगा माइनस सिक्स, देन इन दोनों का प्लस क्या आ गया फाइव, और सेंटर में हमारा माइनस ही रहेगा। नाइन माइनस फोर इज फाइव, सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन, और सिक्स के आगे क्या है माइनस, तो माइनस आ गया हमारा आंसर क्या आ गया माइनस फाइव बाय इलेवन। इसको भी आपने वैसे ही लिखना है जैसे इस बुक में लिखा है। हैंज़ दी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए एंड बी इज एस ए, ए वन ए टू एस बी बी वन बी टू, तो यहाँ पे आप पी वन x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू फाइंड पुट कर दोगे, एंड द वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गई माइनस फाइव बाय इलेवन। इसका एक और मेथड है, ये भी बहुत इजी मेथड है, बट ये आपने तब अप्लाई करना है जब आपका क्वेश्चन टू या थ्री मार्क्स में आया है। तो इसका मेथड क्या है, हमने जो इसका नोट था वहां पे इसका फॉर्मूला किया था d माइनस सी, जैसे पहले क्लॉकवाइज d माइनस सी अपॉन आर, फिर एंटी क्लॉकवाइज d माइनस बी अपॉन आर। ये देखो कैसे है, d माइनस सी उसके बाद a माइनस बी, ये हमारा क्या आ गया क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज क्या किया था d माइनस बी, देन उसके बाद a माइनस सी अपॉन नीचे क्या आ रहा है r, फिर उसके बाद v क्या था इन दोनों का डिटर्मिनेंट अपॉन r, r का मतलब क्या है इन दोनों का प्लस माइनस इन दोनों का प्लस। ये सेम ही फॉर्मूला, बस इसको यहाँ पे r के साथ नोटेट कर दिया। सो आप कोई भी फॉर्मूला कर सकते हो, r क्या है हमारा a प्लस जी माइनस बी प्लस सी। सो इसके साथ भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक ही मेथड से करना, क्योंकि अगर दो दो मेथड करोगे तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। सो एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। वी नो दैट फॉर द गेम ए बी सी डी एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए डी माइनस सी अपॉन आर ए माइनस बी अपॉन आर, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी आर डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन आर, और वी वैल्यू ऑफ द गेम की क्या थी हमारी ए डी माइनस सी बी अपॉन आर, वे आर इज ए प्लस जी माइनस सी प्लस जी सी प्लस बी। ए हमारा किसके इक्वल है माइनस थ्री, बी फोर, सी वन, डी माइनस वन। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी तो आर की वैल्यू माइनस इलेवन आ गई। ऐसी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकाल दी, डी की वैल्यू हमारी है माइनस थ्री, सी की वैल्यू है हमारी वन, तो क्या आ गया माइनस फोर अपॉन माइनस इलेवन, दैट मीन्स फोर बाय इलेवन। ऐसी ए माइनस बी इज माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन अपॉन इलेवन माइनस इलेवन, तो सेवन बाय इलेवन आ गया। ऐसी बी की स्ट्रेटजी निकाल दी, डी माइनस बी दैट मीन्स माइनस थ्री माइनस फोर इज माइनस सेवन बाय माइनस इलेवन, दैट मीन्स सेवन बाय इलेवन। ए माइनस सी इज माइनस थ्री माइनस वन, दैट मीन्स माइनस फोर बाय माइनस इलेवन, तो फोर बाय इलेवन आ गया। वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगी, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू डी, थ्री थ्री इज द नाइन माइनस
बी इंटू सी, फोर वन जा फोर अपॉन माइनस इलेवन, माइनस फाइव बाय इलेवन। तो दोनों मेथड के साथ हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आप कर रहे हो या तो ये मेथड के साथ सारे क्वेश्चंस करो या इस मेथड के साथ सारे क्वेश्चन करो। अगर आप दोनों मेथड करोगे तो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि जो ये फॉर्मूला है इसके साथ करो, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में आएगा, क्योंकि अगर आप उस मेथड से करोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। सो हमारी एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम और परसाई की बुक में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। ये जो स्पेक्ट्रम की बुक में गिवन नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ सकती है। ये कभी भी पेपर में नहीं आई है, इसलिए ये पेपर में आ सकती है। नाउ इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।